वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइंस वन और साइंस टू पेपर में एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स स्किप किए गए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो लॉज ऑफ मोशन में आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है देखते हैं। स्टार्टिंग के ये जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, उसी पेज पे लेट्स ट्राई दिस एंड थिंक अबाउट इट, ये एग्जाम में नहीं आएगा तो आपको इसको भी नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 2 पे यूज योर ब्रेन पावर में कुछ एक्टिविटी दिया था, वो भी आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेम्बर ऑल्सो विल बी नॉट देयर। पेज नंबर 3 पे लास्ट वाला जो बॉक्स दिया है ऑलवेज रिमेम्बर, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 4 पे लेट्स ट्राई दिस, ये एक्टिविटी एग्जाम में नहीं आएगा तो ये भी आपको नहीं करना है। पेज नंबर 5 पे देखिए यूज योर ब्रेन पावर, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 6 पे यूज योर ब्रेन पावर अगेन, यहाँ पर ये स्किप किया गया है। पेज नंबर 7 पे नो रिडक्शन, पेज नंबर 7 पे जो भी टॉपिक्स दिए हैं यू शुड रीड प्रॉपरली। पेज नंबर 8 पे भी कोई रिडक्शन नहीं है। पेज नंबर 9 पे लास्ट वाली जो एक्टिविटी लेट्स ट्राई दिस, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। उसी पेज के नीचे पेज नंबर 10 पे ट्राई आउट एंड थिंक अबाउट इट, ये एक्टिविटी भी आपको एग्जाम के लिए नहीं पूछी जाएगी। पेज नंबर 11 में देखिए पहले से आपको ये पसंद नहीं है सम सॉल्व करना, तो उसको हटा दिया गया है। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 हटा दिए गए हैं, बट एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 आपको करने हैं। पेज नंबर 12 पे कोई रिडक्शन नहीं है। पेज नंबर 13 लेट्स ट्राई दिस, इसमें कुछ क्वेश्चन थे वो आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। पेज नंबर 14 पे देखिए स्टूडेंट्स यूज योर ब्रेन पावर, नहीं यूज करना है ब्रेन आपका क्योंकि वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। लेट्स ट्राई दिस, इसमें भी हमें ट्राई ही नहीं करना है। यूज योर ब्रेन पावर ऑल्सो विल बी नॉट देयर। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 15 पे कोई रिडक्शन नहीं है। पेज नंबर 16 पे भी कोई रिडक्शन नहीं है, उसके नीचे जो एक्सरसाइज दिया है वो कंप्लीटली आपको करना है रिमेम्बर। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में देखते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यूज योर ब्रेन पावर नहीं करना है। पेज नंबर 19 नो रिडक्शन। पेज नंबर 20 पे थिंक बिफोर यू आंसर, वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी वो आपको नहीं रीड करनी है। पेज नंबर 21 पे देखते हैं क्या रिडक्शन है। ट्राई दिस, ये एक्टिविटी नहीं करना है, होल एक्टिविटी स्किप की गई है। उसके नीचे पेज नंबर 21 उसी पे इंस्टीट्यूट एट वर्क, ये भी आपको नहीं आएगा। मतलब पेज नंबर 21 पे ओनली आपको इतना बॉक्स रीड करना है। पेज नंबर 22 पे कोई रिडक्शन नहीं है। पेज नंबर 23 लास्ट यूज योर ब्रेन पावर का ये क्वेश्चन रिड्यूस किया गया है। पोटेंशियल एनर्जी के नीचे ट्राई दिस वाला एक एक्टिविटी दिया गया था वो आपको नहीं करना है। पेज नंबर 25 पे नीचे वाला ट्राई दिस, ये एक्टिविटी आपको एग्जाम में नहीं आएगा। पेज नंबर 26 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। पेज नंबर 27 इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। पेज नंबर 28 नो रिडक्शन एंड एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन आपको करने हैं। पेज नंबर 29 पे प्रोजेक्ट दिया गया था वो प्रोजेक्ट ओनली स्किप हुआ है, रेस्ट ऑल द क्वेश्चन यू हैव टू स्टडी। नाउ चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखते हैं इसमें क्या रिडक्शन है। ट्राई दिस, ओके, सो ऑलमोस्ट ट्राई दिस सब हटा दिए गए हैं, ये ट्राई दिस भी नहीं आएगा आपको। पेज नंबर 31 पे कोई रिडक्शन नहीं है। पेज नंबर 32 इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट एंड डू यू नो, ओके, सो इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट तो स्किप किया है बट डू यू नो में भी स्किपिंग है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जब भी आपको टाइम मिले तो आप ये पढ़ लेना बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 33 पे देखते हैं डू यू नो, ये बॉक्स पूरा हटा दिया गया है। पेज नंबर 34 पे ये जो बॉक्स दिख रहा है ये बॉक्स भी आपको एग्जाम में नहीं आएगा। उसी पेज पे साइंटिस्ट का जो इंट्रोडक्शन दिया है वो भी आपको नहीं रीड करना है। पेज नंबर 35 थिंक अबाउट इट विल बी नॉट देयर फॉर योर एग्जाम।
उसी पेज पे पेज नंबर 35 पे ये देखो कुछ एक्टिविटी दी थी आपको, कुछ एक्सपेरिमेंट दिया था ऑब्जर्व करने के लिए, तो ये आपको एग्जाम में नहीं है। पेज नंबर 36 पे ये जो टेबल दिया गया है, ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, बट इसको स्किप किया गया है, तो इसको भी आप रीड कर लेना। पेज नंबर 36 पूरा हटा दिया गया है। पेज नंबर 37 पे ट्राई दिस, ये एग्जाम में नहीं आएगा। पेज नंबर 38 पे एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 3, ये दो एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं रहेंगे, बट एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 4 आपको करना है। उसी पेज पे लास्ट एक बॉक्स दिया गया है यूजिंग आईसीटी, ये भी आपको नहीं करना है। पेज नंबर 39 पे कोई रिडक्शन नहीं है। पेज नंबर 40 पे डू यू नो, ये बॉक्स आपको एग्जाम में नहीं आएगा। नाउ पेज नंबर 41 डू यू नो, ये बॉक्स हटा दिया गया है। पेज नंबर 42 नो रिडक्शन। पेज नंबर 43 पे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, ये टेबल आपको एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद देखिए उसी के नीचे और एक टेबल है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, एग्जाम के लिए तो नहीं आएगा, बट आप इसको रीड कर सकते हो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक्सरसाइज में से कुछ हटाया नहीं है एक्सेप्ट प्रोजेक्ट, बाकी सब क्वेश्चन आपको करने हैं। पेज नंबर 46 दैट इज चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर, केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको एग्जाम में नहीं रहेंगे। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 47 पे एंड इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, एंटोइन लवोइजर का इंफॉर्मेशन दिया था, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आप रीड कर ही सकते हो। 48 पेज पे वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, ये पहले से डिफिकल्ट था, अच्छा हुआ इसको हटा दिया गया है। उसी पेज पे कैन यू रिकॉल, ये दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 49 पे ये दोनों ऊपर के जो दोनों बॉक्स है वो भी आपको एग्जाम में नहीं रहेंगे। पेज नंबर 50 पे देखिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, इट हैज बीन रेड्यूस्ड, उसके नीचे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये पूरा पैराग्राफ ओमिट किया गया है। उसके नीचे मेक अ लिस्ट एंड डिस्कस, वो भी आपको नहीं करना है। पेज नंबर 51 पे देखते हैं क्या रिडक्शन है, ट्राई दिस, ये एक्टिविटी नहीं करनी, एज वेल एज थिंक अबाउट इट एंड कैन यू टेल, ये सारे क्वेश्चन स्किप किए गए हैं। पेज नंबर 52 ऑलवेज रिमेम्बर, ये टेबल रिड्यूस हुआ है। पेज नंबर 53 पे वैलेंसी वाले बॉक्स के साइड में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। साइंस कैप्सूल, ये इंफॉर्मेशन भी नहीं आएगा, बट केटायन एंड एनायन का इंफॉर्मेशन था, यू शुड रीड दिस। उसी पेज पे नीचे एक बॉक्स था, वहां पर नेशनल केमिकल लैबोरेटरीज का कुछ इंफॉर्मेशन दिया था, वो स्किप किया गया है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 54 ऑलवेज रिमेम्बर, ये बॉक्स हटाया गया है। उसके नीचे रिसर्च वाला बॉक्स भी आपको एग्जाम में नहीं रहेगा। पेज नंबर 55 पे कैन यू टेल, यूज योर ब्रेन पावर, ये क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। उसी के नीचे यूजिंग आईसीटी एंड कुछ वेबसाइट्स दिए थे आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, वो भी आपको एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करनी है। 56 पेज पे देखिए आयंस एंड रेडिकल्स, ओके, तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए थे, उसके आयंस और रेडिकल्स के साथ ही इंफॉर्मेशन था, इसको स्किप तो किया है, बट आप रीड करोगे तो 10th स्टैंडर्ड के लिए या फिर आपकी फर्दर स्टडी के लिए यूजफुल रहेगा। पेज नंबर 57 नो रिडक्शन, क्योंकि वहां पर एक्सरसाइज ही है, वहां पर कोई क्वेश्चन रिड्यूस नहीं हुआ है। लेट्स मूव नेक्स्ट चैप्टर, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, अगेन केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, स्टार्टिंग का पूरा पैराग्राफ हटाया गया है। उसके नीचे जो टेबल दिया था वो टेबल भी आपको एग्जाम में नहीं रहेगा, मतलब पेज नंबर 58 पूरा स्किप किया गया है। पेज नंबर 59 पे स्टार्टिंग की दो लाइन स्किप किए गए हैं। उसी पेज पर पेज नंबर 59 पे कैन यू रिकॉल में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, वो भी ओमिट किए गए हैं। पेज नंबर 60 पे देखते हैं, पेज नंबर 60 पे यूज योर ब्रेन पावर, ये टेबल पूरा ओमिट किया गया है। पेज नंबर 61 नो रिडक्शन। पेज नंबर 62 यूज योर ब्रेन पावर, ये क्वेश्चन नहीं रहेंगे एग्जाम के लिए।
Page number 63, no reduction. Page number 64 पूरा करना है आपको. 65 पे भी कोई रिडक्शन नहीं है. 66 पे देखिए, ऑलवेज रिमेंबर एज वेल एज यूज योर ब्रेन पावर, ये दोनों बॉक्स हटाए गए हैं. ट्राई दिस एक्टिविटी नहीं रहेगी एग्जाम में. पेज नंबर 67 पे यूज योर ब्रेन पावर, ब्रेन तो यूज ही नहीं करने दे रहे ये लोग. ओके ठीक है, तो चलो सब क्वेश्चन यूज योर ब्रेन पावर के उन्होंने ऑलमोस्ट हटाए हैं, तो आपको नहीं करना है वो. पेज नंबर 68 पे देखते हैं, कोई रिडक्शन नहीं है. पेज नंबर 69 पे ओनली ये जो येलो कलर का बॉक्स है उसको हटाया है. पेज नंबर 70 नो रिडक्शन. 71 पे भी कोई रिडक्शन नहीं है. 72 पे देखते हैं, ऑलवेज रिमेंबर का पूरा बॉक्स हटाया है, उसके साथ यूज योर ब्रेन पावर नहीं आएगा एग्जाम में. 73 पे देखते हैं, रिसर्च नहीं करना है आपको, रिसर्च नहीं आएगा. ओके तो उसके नीचे तो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में से सब क्वेश्चन आपको करने हैं. नेक्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, बायोलॉजी का चैप्टर है, तो देखते हैं इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट नहीं करना है. नेक्स्ट पेज पे 76 पे ऑब्जर्व में कुछ क्वेश्चन थे, कुछ इंफॉर्मेशन था, वो भी आपको रीड नहीं करना है. उसी के नीचे अगेन ऑब्जर्व एंड डिस्कस में ये जो इंफॉर्मेशन दिया है वो भी आपको नहीं करनी है. पेज नंबर 77 पर देखते यूज योर ब्रेन पावर नहीं करना है. पेज नंबर 78 ट्राई दिस एक्टिविटी विल बी नॉट देयर फॉर योर एग्जाम. पेज नंबर 79 डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट का कुछ डिस्टिंग्विश यहां पर दिया था, डिफरेंस दिया था, तो ये पूरा डिफरेंस यहां से हटाया है, तो आपको नहीं करना है. ये नीचे जो ट्री डायग्राम दिया है उसको अच्छे से रीड करना. यूजिंग आईसीटी ये बॉक्स भी नहीं रहेगा एग्जाम के लिए, एक्सरसाइज में से पूरे क्वेश्चन आपको करने हैं. नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन नहीं करने हैं. उसी के नीचे ऑब्जर्व में क्वेश्चन था वो भी नहीं करना है. यूज योर ब्रेन पावर विल बी नॉट देयर. पेज नंबर 82 पे देखिए यूज योर ब्रेन पावर अगेन यहां से स्किप किया गया है. उसी पेज पे एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट ये भी स्किप किया गया है. पेज नंबर 83 पे थिंक अबाउट इट यूज योर ब्रेन पावर दोनों बॉक्सेस ओमिटेड है. उसी पेज पे यूज योर ब्रेन पावर अगेन इंस्टीट्यूट एट वर्क ये दोनों बॉक्सेस रिड्यूस किए गए हैं. पेज नंबर 84 नो रिडक्शन. पेज नंबर 85 पे देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी थी लेकिन ये इंफॉर्मेशन स्किप की गई है. फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन था वो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का था और दूसरा एनर्जी प्रोडक्शन का केमिकल रिएक्शन था. अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रीड कर सकते हो. उसके नीचे दो बॉक्सेस है, डू यू नो थिंक अबाउट इट, ये दोनों भी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे. नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 86 डू यू नो बॉक्स नहीं है एग्जाम के लिए. पेज नंबर 87 नो रिडक्शन, एक्सरसाइज आपको करनी है. नाउ चैप्टर 8 यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, यहाँ पे देखिए इस पे ये क्वेश्चन आपको करने हैं, इसको स्किप नहीं किया गया है, प्लीज रिमेम्बर. इस पेज पे यूज योर ब्रेन पावर एंड डू यू नो ये दो बॉक्सेस नहीं रहेंगे एग्जाम के लिए. यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये स्किप की गई, एग्जाम के लिए तो नहीं आएगी बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन रीड दिस. रिसर्च में जो क्वेश्चन थे वो नहीं आएंगे एग्जाम के लिए. नेक्स्ट पेज नंबर 90 पे देखिए एक्टिविटी दिया गया था ईस्ट को ऑब्जर्व करने का, वो एक्टिविटी नहीं रहेगा बट ईस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको करनी है. पेज नंबर 91 डू यू नो बॉक्स रिड्यूस्ड, यूजर ब्रेन पावर रिड्यूस्ड. इंस्टीट्यूट एट वर्क ये भी एग्जाम के लिए नहीं आएगा. पेज नंबर 92 पे कॉशन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट ये दोनों बॉक्स एग्जाम के लिए नहीं रहेंगे. एज वेल एज वंडरफुल टू नो ये इंफॉर्मेशन दिया गया था, ये भी इंफॉर्मेशन रिड्यूस की गई है. पेज नंबर 93 पे एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट ओमिटेड. पेज नंबर 94 द स्प्रेड एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, ओके सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगेन यू शुड रीड दिस, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा. यूज योर ब्रेन पावर नहीं है. नाउ नेक्स्ट है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपको करना है चैप्टर 7 का 8 का.
Now next chapter environmental management. Environmental management में देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है. Importance of weather in the living world. ये पूरा box हटाया गया है तो आपको इसका कोई question exam में नहीं पूछा जाएगा. Page number 98 पे Institute at work and using ICT ये दोनों boxes हटाए गए हैं. Page number 99 always remember ये skip किया गया है. Page number 100 देखते हैं क्या reduce किया गया है. Do you know वाला box. Next page number 101 make a list and discuss. इसके नीचे कुछ आपको sources दिए थे और classification में कुछ substances दिए थे. ये कोई information exam के लिए नहीं रहेगी तो आपको नहीं करना है वो. Now page number 102 using ICT ये box reduce किया गया है. 103 no reduction. 104 पे देखिए periods require for degradation of waste. Okay, information रखना चाहते हो तो you can read this or else exam के लिए तो नहीं आएगा. उसी पेज पे a peep into the past. Okay, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है. पेज नंबर 105 नो रिडक्शन. 106 ऑल्सो नो रिडक्शन. 107 पे देखिए लास्ट वाला फाइंड आउट. फाइंड आउट में कुछ इंफॉर्मेशन दिया था वो आपको नहीं करना है. एक्सरसाइज आपको करनी है इस चैप्टर की. नाउ नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 10 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT द न्यू डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस. इस चैप्टर में देखते हैं क्या करना है. ओनली ये टेबल हटाया है इस पेज पे एज वेल एज फाइंड आउट. ओके, बाकी सब आपको करना है. 109 पेज पे कोई रिडक्शन नहीं है. 110 पे भी कोई रिडक्शन नहीं है. 111 ये एकदम सिंपल चैप्टर है. 111 पे भी कोई रिडक्शन नहीं है. 112 पे नो रिडक्शन. 113 पे देखिए इंस्टीट्यूट एट वर्क ये लास्ट वाला जो बॉक्स है वो आपको एग्जाम में नहीं आएगा. नाउ एक्सरसाइज आपको करनी है. नेक्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन और ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट्स यहाँ से हटाया है. इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट ये भी नहीं करना है आपको. उसी पेज पे कैन यू रिकॉल में क्वेश्चन था वो क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है. 116 पेज पे देखते हैं क्या रिडक्शन है. लास्ट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में. कैन यू टेल. पेज नंबर 117 पर ट्राई दिस एक्टिविटी नहीं है. होल एक्टिविटी हटाई है लेकिन ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है. पेज नंबर 118 पे नो रिडक्शन. पेज 119 पे भी कोई रिडक्शन नहीं है. 120 पे भी कोई रिडक्शन नहीं है. 121 नो रिडक्शन. 122 नो रिडक्शन. देखिए 123 पे स्टार्टिंग में जो ट्राई दिस वाला इंफॉर्मेशन दिया है वो आपको एग्जाम में नहीं आएगा तो स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है. 124 पे नो रिडक्शन. देखिए 125 दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बट ये आपको एग्जाम में नहीं आएगी. यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉनवेक्स मिरर. ओके, सो प्लीज यू शुड रीड दिस. 126 पेज पे नो रिडक्शन. 127 पे देखिए ऑलवेज रिमेम्बर का ये बॉक्स जो दिया है वो एग्जाम में नहीं रहेगा. एक्सरसाइज तो आपको करनी है. नेक्स्ट चैप्टर स्टडी ऑफ साउंड. पेज नंबर 128 पे रिसर्च के ये दो क्वेश्चन एग्जाम के लिए नहीं पूछे जाएंगे. वेलोसिटी ऑफ साउंड में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे ट्रायल्स में वो भी आपको नहीं स्टडी करना है. 130 पेज पे अ पीप इनटू द पास्ट ये पूरा बॉक्स ओमिट किया गया है. पेज नंबर 131 पे देखिए यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड ये एग्जाम के लिए नहीं आएगा बट फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यू शुड रीड. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में एक एक्टिविटी दी थी नीचे ट्रायल दिस में वो भी आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी. 132 पेज पे यूज योर ब्रेन पावर एंड साइंस इन द सराउंडिंग ये दोनों बॉक्सेस और उसके नीचे वाला जो बॉक्स है कंपेयर द टू केसेस. ओके, तो ये कंपेयर भी आपको नहीं करना है. पेज नंबर 133 पे यूज योर ब्रेन पावर
स्किप किया है. पेज नंबर 134 फाइंड आउट ऑलवेज रिमेम्बर नहीं है. 135 पे देखिए ऑलवेज रिमेम्बर ये बॉक्स फिर से हटाया है. पेज नंबर 136 पे जो एग्जाम्पल दिए है वो करना है ओनली एग्जाम्पल 3 और उसके नीचे वाला जो सोना टेक्नोलॉजी का बॉक्स दिया है उसको आप स्किप कर सकते हो. एक्सरसाइज पूरी करनी है आपको. नेक्स्ट चैप्टर कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट. स्टार्टिंग का पूरा इंफॉर्मेशन स्किप कर दो, नहीं आएगा एग्जाम के लिए. उसके नीचे कैन यू टेल ये भी नहीं आएगा. पेज नंबर 139 इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट नहीं रीड करना है. साइंस कैप्सूल इस बॉक्स को भी नहीं रीड करना है आपको. पेज नंबर 140 पे देखिए पिप इनटू द पास्ट ये भी पास्ट का इंफॉर्मेशन आपको नहीं पूछा जाएगा. पेज नंबर 141 पे ट्राई दिस एक्टिविटी करना था, इलेक्ट्रिसिटी का एक्टिविटी था और ये ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये प्रूफ करना था इस एक्टिविटी से बट अभी आपको नहीं करना है. पेज नंबर 142 पे कोई रिडक्शन नहीं है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पेज, यू शुड रीड. पेज नंबर 143 नो रिडक्शन. पेज नंबर 144 पे देखिए यूज योर ब्रेन पावर ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में. उसके नीचे ट्राई दिस एक्टिविटी भी नहीं है और उसके नीचे और एक ट्राई दिस है वो भी नहीं आएगा. यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का चाहिए तो आप देख सकते हो एक बार. यूज योर ब्रेन पावर ये क्वेश्चन भी नहीं है. पेज नंबर 146 पे कोई रिडक्शन नहीं है. 147 पे भी कोई रिडक्शन नहीं. 148 पे देखिए यूजिंग ऑफ आईसीटी ये बॉक्स हटाया गया है. नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज तो आपको करनी है. पेज नंबर 150 चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज. स्टार्टिंग की पूरी इंफॉर्मेशन ओमिट की गई है. उसी पेज पे डू यू नो और ये नीचे वाला जो बॉक्स है ट्राई दिस ये पूरा ओमिट कर दो. 151 डू यू नो ओमिटेड. 152 पे रिसर्च वाला क्वेश्चन नहीं है. उसी में फाइंड आउट नहीं है. 153 नो रिडक्शन. 154 पे भी कोई रिड्यूस नहीं हुआ है. इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट नहीं है एग्जाम के लिए. दो इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट है उसी पेज पे 155 पे. दोनों नहीं करने आपको. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पेज नंबर 156 पे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये पूरा बॉक्स आपको एग्जाम के लिए तो नहीं आएगा बट टाइम मिले तो रीड कर लेना अच्छा है. नाउ नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इन वेरियस फील्ड्स एज फॉलोज. ओके फॉर इंफॉर्मेशन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम के लिए तो नहीं आएगा बट आप रीड कर सकते हो. पेज नंबर 158 पीप इनटू द पास्ट ये पूरा होल बॉक्स नहीं आएगा एग्जाम के लिए. ऑलवेज रिमेम्बर नहीं करना है आपको. पेज नंबर 159 पे लास्ट फाइंड आउट एंड ट्राई दिस नहीं है. 160 पे देखिए कैन यू टेल ये ओनली एक क्वेश्चन हटाया है बाकी सब आपको करना है. 161 पे देखिए दिस इज हाउ अ सिरेमिक आर्टिकल इज मेड. ओके तो ये इंफॉर्मेशन आपके इस चैप्टर से हटाई है तो आपको ये नहीं करना है. एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन स्किप नहीं हुए हैं. एक्सरसाइज पूरी करनी है आपको. नेक्स्ट चैप्टर इज बायो चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखते हैं क्या करना है इसमें. पेज नंबर 163 पे कोई रिडक्शन नहीं है. 164 नो रिडक्शन. 165 पे डू यू नो वाला बॉक्स नहीं है. ऑलवेज रिमेम्बर का बॉक्स नहीं है. 166 पे देखते हैं नो रिडक्शन. 167 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पेज. किडनी और उसके फंक्शन दिए हैं. यूज योर ब्रेन पावर क्वेश्चन नहीं है. 169 डू यू नो ये बॉक्स नहीं है. 170 पे डू यू नो वाला बॉक्स हटाया है. 171 पर देखते हैं नो रिडक्शन. 172 पे कैन यू टेल के ये क्वेश्चन स्किप कर दो. 173 ब्रेन. ओके ब्रेन के पार्ट्स और ब्रेन का इंपॉर्टेंस दिया है ब्रेन के डायग्राम के साथ सो यू हैव टू स्टडी दिस. 174 यहाँ पर फाइंड आउट का इंफॉर्मेशन ओनली आपको स्किप करना है. रेस्ट ऑल थिंग्स यू हैव टू स्टडी. 175 नो रिडक्शन. 176 नो रिडक्शन.
177 नो रिडक्शन एक्सरसाइज तो पूरी करनी है आपको. हेरिडिटी एंड वेरिएशन. ओके तो इसमें देखते हैं क्या रिड्यूस हुआ है. 179 पे कोई रिडक्शन नहीं है. 180 पे देखिए लास्ट वाला फाइंड आउट वाला ये जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो हटाया है. 181 नो रिडक्शन. 182 पे सब करना है आपको. 183 पे सीड्स ऑफ टेक्नोलॉजी ये नहीं रीड करोगे तो भी चलेगा. 184 साइंटिस्ट का इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा. 185 पे देखिए नो रिडक्शन. 186 पे भी कुछ रिडक्शन नहीं है. 187 पे यूज योर ब्रेन पावर ये पूरा जो एक्टिविटी करना था आपको और उसके रेशियोज लिखने थे तो ये आपको अभी नहीं करना है. 188 पेज पे देखते हैं नहीं कोई रिडक्शन नहीं है. 189 पे भी नहीं रिडक्शन. 190 पे डू यू नो ये वाला बॉक्स नहीं है एग्जाम के लिए. 191 नो रिडक्शन. 192 में भी कोई रिडक्शन नहीं है जी. एक्सरसाइज तो पूरी करनी है आपको. नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी. पेज नंबर 194 पे रिडक्शन नहीं है. 195 पे देखिए डू यू नो वाला बॉक्स ओमिट किया है. 196 टिश्यूज का पूरा स्टडी आपको करना है कोई रिडक्शन वहां पर नहीं है. 197 पे देखते हैं कोई रिडक्शन नहीं है. 198 कुछ ओमिट नहीं हुआ है. 199 पे देखिए एक एक्टिविटी दिया गया था जो आनियन के साथ करना था ये आपको नहीं करना है. 200 पेज पे पूरा पेज आपको अच्छे से स्टडी करना है. 201 नो रिडक्शन. 202 ऑल्सो नो रिडक्शन. 203 पे देखिए इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट ये आप मत करो. 104 पे फाइंड आउट ये भी आपको नहीं करना है. 205 पे लास्ट यूजिंग आईसीटी ये नहीं करना है. 206 पे देखिए फाइंड आउट में कुछ क्वेश्चन थे वो भी आपको एग्जाम के लिए नहीं आएंगे. 207 पे कोई रिडक्शन नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज यू शुड स्टडी. लास्ट चैप्टर ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप. टेलीस्कोप वाला चैप्टर है. देखते हैं इसमें क्या रिड्यूस हुआ है. पेज नंबर 209 पूरा करना है. 210 पे भी कोई रिडक्शन नहीं है. 211 में देखिए यहाँ पर टेलीस्कोप का डायग्राम दिया है और कुछ इंफॉर्मेशन था चाहिए तो आप रीड कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज. 212 कोई रिडक्शन नहीं है. 213 पे देखिए यहाँ पे ये दो हबल टेलीस्कोप एंड चंद्र टेलीस्कोप ये दोनों स्किप किए गए हैं बट यू शुड रीड. 214 पे कोई रिडक्शन नहीं है और एक्सरसाइज आपको पूरा करना है. ओके तो ये था आपका क्लास 9 का साइंस 1 एंड साइंस 2 का रिडक्शन. स्टिल अगर आपको कुछ डाउट्स रहेंगे अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए टेक्स्ट बुक का तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आपका ईमेल आईडी दे सकते हो. देन आई विल प्रोवाइड दिस एडिटेड पीडीएफ टू यू. ओके सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.